मिल गया मिल गया मिल गया, अर्द्धवार्षिक परीक्षा नागरिक शास्त्र कक्षा 11 का पेपर मिल गया 2023-24 के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कशन से इस पेपर को आप लोग देख कर जाइएगा। इससे पहले ही मैंने आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र का एक पेपर और भी डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, उसको भी देख लीजिए। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए करते हैं इस पेपर को स्टार्ट, आपके समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए। और समय तो वैसे ही जानते हैं आप लोग के पास कम है, तो समय का बिल्कुल फाउंडेशन है, बहुत जरूरी है इस समय आप लोग को समय की कीमत। तो चलिए यहाँ पर बहुविकल्पी भी प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में से निकाल दिया गया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या किया गया है, मूल अधिकार में से निकाल दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। संपत्ति ने कि दिया अरबों खरबों ये रखे रहेंगे तो आप सरकार को टैक्स नहीं भरेंगे, सरकार आपसे टैक्स हगवा लेगी। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित। यहाँ पर इस विकल्प नंबर छह जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसी के शासनकाल में ही, देखिए 3 जून 1947 को जब ये आया था दोस्तों, तो माउंटबेटन योजना को लेकर तब उसी के तहत ये विभाजन किया गया था। ठीक है ना, धर्म के आधार पर जो किया गया था। भारत में भारत के संविधान की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये तो जानते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा में जो सदस्य शामिल थे उन लोगों ने मिलकर ही भारत के संविधान की रचना का पूरा मार्गदर्शन किया था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, पांचवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? देखिए उम्मीदवारों का जो नामांकन होता है, ये उम्मीदवारों का जो नामांकन होता है ये मतदाता सूची तैयार करना, आचार संहिता लागू करना, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण करना। देखिए उम्मीदवारों का नामांकन करना ये जो है वो चुनाव आयोग, उम्मीदवार पहुंचते हैं वो अपने तरीके से अपना नामांकन वगैरह में शामिल होते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए रिसोर्स, ये जो नियुक्ति वगैरह का काम जो होता है मुख्य रूप से वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है ना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नीति आयोग का मतलब पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, योजना आयोग के जहां पर लाया गया है नीति आयोग को। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इससे पहले भी जानते थे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री थे, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री भी होगा। अगर ये भी पूछे आपसे कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री इस समय कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी को यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, ये सीधा हो जाएगा आपका। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देखिए वित्त आयोग की नियुक्ति की बात हो रही है, तो नियुक्ति के बारे में ज्यादा तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये आप मैक्सिमम जो है राष्ट्रपति पर ही आप जाएंगे। ठीक है ना, राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्य सूची में अगर कहा जाए तो इस समय देखिए 61 विषय, लेकिन यहाँ पर 66 विषय लेके चला गया था स्टार्टिंग में, तो 66 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ये जान रहे हैं आपकी, ये टोटल 8 है, 8 केंद्र शासित राज्य इस समय है भारत में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने राज्य हैं, केंद्र शासित राज्यों की संख्या मैंने 8 बता दी, अब आप बताइए कि राज्यों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, अति लघु उत्तरी प्रश्न तथा एक या दो वाक्य और में दीजिए। मतलब ये क्या, एक तरीके से अति लघु का ही विस्तृत रूप है, मतलब अति लघु ही है, मतलब बहुविकल्पी ही है, बहुविकल्पी में थोड़ा सा शब्द जोड़ देना आप लोग को। देखिए पूछा गया, मैंने अभी देखिए बहुविकल्पी में आपको मिलाया था, भारत में इस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? मैंने अभी देखिए प्रश्न पूछा आपसे, देखिए आपको अति लघु पूछ दिया गया। समानता का क्या अर्थ है, सकारात्मक समानता का क्या अर्थ बताइए, आरक्षण सकारात्मक भेदभाव नहीं है, पर दो तर्क दीजिए, न्याय शब्द का क्या अर्थ होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है, राजनीतिक न्याय और कानूनी न्याय में क्या संबंध है, कानूनी न्याय और नैतिक न्याय में क्या अंतर है, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकारों के दो स्रोत बताइए। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, इन प्रश्नों में जो भी स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रखिए। ठीक है, और इन प्रश्नों को तैयार करके ही अपने एग्जाम में जाइए। सामाजिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए, समानता के राजनीतिक पक्ष का संक्षिप्त विवरण देना है, कानून और स्वतंत्रता के परस्पर स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं, और ये देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों में जो पढ़ते हैं यहाँ पर 100 शब्दों में उत्तर देना है इनका, संविधान में प्रस्तावना का दिया गया धर्म निरपेक्ष सार्वभौमिक अधिकार साधारण वित्त विधेयक में अंतर बताना है यहाँ पर। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मूल अधिकारों में क्या महत्व है, दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या एडिशंस दीर्घोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में, तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों का क्या महत्व है ये स्पष्ट करना है, अथवा दल बदल से क्या तात्पर्य है, इसे रोकने के क्या उपाय किए गए हैं, इस संबंध में हमारे देश में वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, कोई विधेयक कानून बनाने के लिए किन किन अवस्थाओं से गुजरना है उसका वर्णन करना है, अथवा हम देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से है आपका पेपर और इसे कर लीजिए तैयार, और याद रखिएगा डीजे सर चैनल से जुड़े रहना है आप लोग, और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जुड़ लीजिएगा शिक्षा, और डिस्टेंस इसे ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नाम से उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला नियमित रूप से आपको डीजे सर चैनल पर मिलती रहती है, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, तो खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। हाँ, यदि आपने सेवा भाव से कुछ करना चाहते हैं तो
यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन वाला बटन डीजे सर चैनल पर मिल चुका है, आप जाइए वहां से जो भी सर है आप लोग को, सबसे छोटा वाला जो है 29 का है, वो आप लोग एक बार ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके डीजे सर चैनल के एकदम जबरदस्त तरीके से मेंबरशिप को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्वाइन वाले बटन पर जाइए डीजे सर और उसे ज्वाइन कीजिए।